You have a laugh, So guys, एकदम सुहाना मौसम है, आप चाहेंगे घर से बाहर, मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा घूम कर लिया जाए। चलो चल पड़ता है। बटरू जी को क्या पता था कि उसकी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि उसे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है जब वो उतर के देखता है तो उसके पीछे ज़ॉम्बीज थे। जी हाँ, शहर में ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज फैल चुके थे। रिची को इसका कोई आइडिया नहीं था। अब आगे यार समझ नहीं आ रहा, इतने सारे ज़ॉम्बीज एक दिन में कहाँ से आ गए, तब दो ही दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन दो ज़ॉम्बीज भी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। मेरे पास बहुत खतरनाक खतरनाक आसंस है, मैं पिस्टल से इन्हें मार देता हूँ। रुको, ये लो। एक ही दिन में इतने सारे ज़ॉम्बीज कहाँ से आए, दो ही हैं तो उससे क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा। सही लोग लगता तैयारी कर रहे हैं कि मेरे को भी कहीं दूर जाना है। जाके चेक करता हूँ इधर उधर क्या चल रहा है। चलो भाई चेक करते हैं, मिलता हूँ शहर में चल के। तो भाई समझ नहीं आ रहा है यार, इतने सारे ज़ॉम्बीज कहाँ से आ रहे हैं, यहीं पे रुकना पड़ेगा। और पहले यार समझ नहीं आ रहा, पापा जी ने सभी लोग भागते हैं इधर से उधर, और समझ नहीं आ रहा क्या करना जाए। दोस्तों बताया करना है, अरे पीछे से क्या आ रहा है ये, इतने सारे ज़ॉम्बी, ये नहीं सकता, इतने सारे ज़ॉम्बी में देखूंगा, मैं ये नहीं सोचा था मैंने, मुझे यहाँ से भागना नहीं है, मेरे को इन्हें मारना होगा। जल्दी से इन्हें किल कर देता हूँ, वरना पूरे शहर को तबाह कर देंगे, सब मरोगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। बहुत तगड़ी तरीके से मारना होगा यार, ये बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं आपको। डंडी डंडी गोली जाके नहीं बचती यार, इन सबको मारना होगा। गाइस ये लोग तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इस चीज़ का तैयार नहीं। तो गाइस अपन चेंज कर लिया है, अब इनको मिशन करना है। The end, next part coming soon.